नमस्कार, एलएनबी टीवी में आपका स्वागत है और आइए डालते मुख्य समाचारों पर एक नजर। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर एक पेंशन केस को निपटाने के मामले को लेकर 5000 रुपए की नगद राशि की रिश्वत लेते हुए पेंशन विभाग के एक अधिकारी को लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एपीओ मुकेश कुमार जैन द्वारा सेवानिवृत्त जिला खेल अधिकारी प्रमोद कुमार भल्ला के पेंशन प्रकरण को निपटाने के लिए 8000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। विदित हो कि प्रमोद कुमार भल्ला का रिटायरमेंट 1 मार्च 2017 को हुआ था और तभी से वह अपने स्वयं के पेंशन के पैसे को लेकर भटक रहे थे। सेवानिवृत्त खेल अधिकारी प्रमोद कुमार भल्ला इस समय लकवा की बीमारी से ग्रसित हैं। उनके पुत्र ने यह मामले की शिकायत लोकायुक्त में की थी, जिसकी जांच करते हुए लोकायुक्त ने जाल बिछाया और मुकेश कुमार जैन को 5000 रुपए की नगद राशि की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस संबंध में लोकायुक्त निरीक्षक बीएन द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बतलाया। अधिकारी हैं जिला दमोह में, इन्होंने प्रमोद कुमार भल्ला जो जिला खेल अधिकारी थे उनके रिटायरमेंट के पैसों का भुगतान होना था, इसके एवज में इन्होंने 8000 रुपए की रिश्वत की मांग की। अभी 5000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कार्रवाई चल रही और इनके साथ जो एसआर आई थी उसको फॉरवर्ड करने और बिल का भुगतान करने के लिए नगद राशि की मांग की गई। शिकायत कब की गई? ये है 15 तारीख। क्या पहले कोई लेते हैं? पहली बार आया था तो 2000 रुपए इनको नगद देके गया। कितना 5000। आवेदक ने 5000 रुपए लेके आया था जो दिया और रंगे हाथों संपूर्ण मामले के संबंध में सेवानिवृत्त खेल अधिकारी प्रमोद कुमार भल्ला के पुत्र ने बतलाया। प्रमोद कुमार जी यहाँ DSO थे, वो 2017 में हुए रिटायर, आज उनको रिटायर हुए 1.5 साल हो गए। ये पेंशन की कार्रवाई में इनने बहुत टाइम लगा दिया, इनको हमने काफ़ी फ़ोन लगाए, इनने कुछ भी नहीं सुना, बट पर हम परेशान हो गए थे इनसे बहुत ज़्यादा। लोकायुक्त का फिर हमें सहारा लेना पड़ा। 6 महीने कितने पैसे इनसे मांगे जा रहे थे? 6000 रुपये, तो 5000 रुपये ले लिए और आज पकड़े गए वो। नहीं ना देखे, हमने कहा हमारे पास 5 ही है और पापा जी हमारे बहुत, उनका स्वास्थ्य खराब है तो उनसे हम बात भी नहीं करते हैं, जो भी है तो हमसे आप बात कर लो। तो उन्होंने कहा जो हो आपकी तो आप कर दो, तो हमने 5000 रुपये आज इनको ला के दे दिए। अच्छा, उसके पेंशन विभाग के APO मुकेश कुमार जैन ने संपूर्ण आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा। केस पुनरीक्षण वाला था, है ना, तो वो IFM IS में प्रोसेसिंग में है, उसको भोपाल उसको कंप्लेंट भी दर्ज कराई, टिकट नंबर दर्ज कराया है उसका, और उसी की प्रोसेसिंग कर रही थी। ज़बरदस्ती हमको पैसे पकड़, 3-4 दिन से हम तो फ़ोन कर रहे हैं कि आप कहाँ हो, कहाँ, कल मैं हाई कोर्ट गया था तब भी, और ज़बरदस्ती पैसे इनने हमको वो करिए, हमने लिए ही नहीं, पैसे भी नहीं लिए, हम बता रहे हैं। इससे पहले भी 2000 रुपये अपन ने पैसे ऐसे नहीं लिए इनसे। कितने टाइम से चल रहा था ये प्रकरण? प्रकरण तो अभी सातवां वेतन मान लगा मैं जब से है, तो क्या हुआ है कि अभी उनने क्या किया है, अनुमोदन 1.5 से जैसे मान लो 1-6 चेक हो गया, तो 1-6 से क्या करना है वो प्रोसेसिंग में लाना IFM IS इसमें, तो उसको करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। इनको क्या, इनका 25/9/8 में उन्नयन हुआ है, 25/9/8 में उन्नयन आना डबल इंक्रीमेंट ले रहा है, जबकि उसमें डबल इंक्रीमेंट की बातता नहीं है, तो वो टिकट अपन ने दर्ज कराई है, उसके कारण से थोड़ा टाइम लग रहा था, और अपने तरफ से कोई देरी नहीं हो रही थी। और एक और बता दें, ये प्रोसेसिंग है जो ना, प्रोसेसिंग DDO के लॉगिन से होती है, ना कि इसको हम लेट कर रहे हैं, हम तो उसमें क्या कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे कि भाई इनका काम जल्दी क्या हो जाए, बन जाए, ये स्थिति। इनका आरोप रह रहा था, है इनका जो
एक सोच के ये हम लेट नहीं कर रहे, क्या ये तो प्रूफ मिलेगा कि लागन में है ना इनका टिकट ला के, टिकट हमने लाग नहीं किया, किन्ने किया है, डीडीओ ने ला किया है, उन्होंने कंप्लेंट लिखा भी है कि ये देरी एक ऐसा होना चाहिए, उन्होंने सबमिट किया है वहाँ कंप्लेंट, मैंने वहाँ पर फ़ोन किया, हमने कहा इसको थोड़ा जल्दी कर दो जिसमें सर परेशान हो रहे तो ठीक हो जाए बात ही। कार्यवाही में लोकायुक्त निरीक्षक बी एन द्विवेदी, प्रधान आरक्षक महेश स्वामी, आरक्षक संतोष गोस्वामी, सुरेंद्र प्रताप से, अरुणेंद्र नायक और सलीम खान की प्रमुख भूमिका रही। यह थे अब तक के मुख्य समाचार, कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ, नमस्कार।